हेलो एवरी वन, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताना जा रहा हूँ दोस्तों कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। दोस्तों आज मैं आपको बहुत बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। उसका नाम VN वीडियो एडिटर। दोस्तों उससे मैं बहुत दिनों से दोस्तों अपने यूट्यूब वाली इंस्टाग्राम वाली वीडियो एडिटिंग करता था दोस्तों। उससे अपना फोटो भी एडिटिंग हो जाती है दोस्तों, फोटो जोड़ के भी उसको एडिटिंग कर सकते दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों अब मैं इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ दोस्तों। आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ दोस्तों, आपने इंस्टाग्राम पे देखी होगी दोस्तों मेरी वीडियोस। तो आप इस पे इससे अपने यूट्यूब वाली वीडियो का भी एडिटिंग कर सकते दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज आप उस VN वीडियो एडिटिंग के बारे में पूरा प्रोसेस दोस्तों आपको मोबाइल पर दिखाऊंगा दोस्तों। इससे पहले दोस्तों अगर तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों। तो चलते दोस्तों वीडियो के अंदर, दोस्तों देखते हैं वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर प्लस का आइकन दिखेगा, प्लस का निशान दोस्तों, इसके ऊपर हमें सिंपल से क्लिक करना है। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दोस्तों, इसके ऊपर सिंपल से हमने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये हमारी गैलरी के अंदर आ चुका दोस्तों। यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन है और यहाँ पर फोटो का ऑप्शन दोस्तों। आप चाहते हो तो वीडियो को एडिटिंग कर सकते हो या फोटो एडिटिंग कर सकते हो। मैं आपको आज फोटो एडिटिंग करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। मैं कुछ फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों उसके लिए। जैसे ही दोस्तों मैंने 8 फोटो सेलेक्ट कर ली है, उसके बाद यहाँ पर तीर का आइकन आ रहा है, इसके ऊपर हमने सिंपल से क्लिक कर देना है दोस्तों। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ दोस्तों। ये कुछ इस प्रकार से प्ले होगा दोस्तों। ये देखो दोस्तों इस प्रकार से प्ले हो रहा है, ये सभी इस प्रकार से प्ले हो रहा है। और लास्ट में आपको करना क्या है, ये लास्ट में एक ब्लैक ब्लैक कलर का आ दोस्तों, इसके ऊपर हमें सिंपल से क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिल्ट का ऑप्शन, इसको डिल्ट कर देना दोस्तों। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों ओरिजिनल का, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर एक सबसे पहले ऑप्शन दोस्तों ओरिजिनल, उसके बाद दोस्तों 6.9 का रेशियो यूट्यूब के लिए दोस्तों उसके लिए। उसके बाद दोस्तों आप इंस्टाग्राम पर रील बनाना चाहते हो तो 1.1 काला है दोस्तों, आप ये सेलेक्ट कर लेते हो दोस्तों। इंस्टाग्राम स्टेटस के लिए 4.5 लगा सकते हो दोस्तों। टिकटॉक इंस्टाग्राम टिकटॉक तो जैसे कि दोस्तों बैन हो चुका दोस्तों। और किसी भी आप प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाना चाहते हो दोस्तों, इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा दोस्तों। मैंने यहाँ पर ओरिजिनल ही रहने दिया दोस्तों। उसके बाद देखो दोस्तों ऊपर आपको यहाँ पर कोने में ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों सेव का, उसके बाद एक्सपोर्ट का ऑप्शन, इसको वीडियो को सेव भी कर सकते दोस्तों। इसको एक्सपोर्ट करने से दोस्तों आपकी गैलरी में आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर जो प्लस करने आइकन दिखा रहा है दोस्तों, इसके ऊपर हमें सिंपल से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दोस्तों ये इस प्रकार का ये ऑप्शन देखो दोस्तों, हमसे हमें इनमें से एक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसको राइट कर देना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट में ये निशान प्लस वाला, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जूम का ऑप्शन दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राइट का निशान कर दिया दोस्तों। उसके बाद देखो दोस्तों जूम का निशान फेयर है दोस्तों। उसके बाद ये हमें सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, इससे वीडियो बहुत अच्छी बन जाती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये आगे भी एक है, इस तरह से हमें ये और भी शेप में कर सकते हैं दोस्तों। ये देखो ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये मैंने एक शेप ये सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। उसके बाद जैसे कि हमने ये सभी के सभी ऐसे हमें कर लेना दोस्तों, मैं फटाफट से कर लेता हूँ दोस्तों इसको। जैसे कि दोस्तों अब लास्ट में बच चुका दोस्तों, लास्ट में आप करना चाहते हो तो दोस्तों कर सकते हो दोस्तों। लास्ट में ये ऑप्शन दिखा रहे हैं दोस्तों, इनमें से आप कौन सा भी ले सकते हो दोस्तों। ये ले लो चाहे दोस्तों, इसको डिलीट कर देना दोस्तों, ये मत लेना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसको चाहे तो आप खाली भी रहने दोस्तों, कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्तों इस पर हम इस अपनी जो पिक्चर, इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसको छोटा कर देंगे, बिल्कुल छोटा, ये इतना कर देंगे दोस्तों। उसके बाद ये नेक्स्ट वाले इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस पर इसी प्रकार से इसको भी छोटा कर देंगे। इसी प्रकार से हमें सभी की सभी फ़ोटो अपनी छोटी कर देनी दोस्तों, इससे वीडियो बहुत अच्छी बन जाती है दोस्तों। मैं फटाफट से दोस्तों कर लेता हूँ दोस्तों।
ये देख दोस्तों, मैंने इस प्रकार से कर लिया दोस्तों। अभी ये इस तरह से प्ले हो रहा है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, वीडियो किस प्रकार से बन रही, कैसी लग रही दोस्तों, वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों। उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पर टेम्पलेट का ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर आप टेम्पलेट ऐड कर सकते हो दोस्तों किसी प्रकार से। जैसे कि ये टेम्पलेट हमें ऐड करनी, सबसे पहले इसको डाउनलोड करेंगे दोस्तों। उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगी दोस्तों, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यूज टेम्पलेट, आप अपने किसी भी वीडियो के अंदर इसको टेम्पलेट को यूज कर सकते हो दोस्तों। मैं अपने फोटो में किसी एक फ़ोटो के अंदर टेम्पलेट यूज़ कर दिखा देता हूँ। इसी के अंदर कर लेते हैं दोस्तों टेम्पलेट हम यूज़। हमें एक फ़ोटो सेलेक्ट करनी पड़ेगी दोस्तों, इसके लिए मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। मैंने इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट कर देना दोस्तों। ये एक टेम्पलेट और कह रहा है दोस्तों करने के लिए। उसके बाद देखो दोस्तों, मैं वो प्ले करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से प्ले होगी ये वीडियो। आप करना चाहते हो तो कर सकते हो दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कर रहा दोस्तों। आप अगर करना तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे दोस्तों आपको, उससे आप कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दोस्तों, अगर आपके पास कोई टेम्पलेट है उसे या माई पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्रिएट ए टेम्पलेट, इससे डाउनलोड करें, आपके पास डाउनलोड है तो उसको यहाँ से उठा सकते हो, उसके बाद आप इसमें यूज कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, ये आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन दोस्तों, उससे आपकी इमेज, ये देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले तो ये इमेज दोस्तों, ये इमेज हमें इस पे फिल्टर करना है दोस्तों। ये इमेज उस इस प्रकार से हो जाती है, आपको जैसी अच्छी लगती है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस हैं दोस्तों, आप कुछ भी कर सकते हो दोस्तों। मैंने एक सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन है स्पीड का, आप अपनी जो आपकी वीडियो है दोस्तों उसकी स्पीड ही बढ़ा सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है स्लिप का दोस्तों, ये स्लिप भी कर सकते हो। स्लिप तो आपकी, ज़्यादा आप वीडियो बनाएंगे दोस्तों आपकी फ़ोटो लंबी होगी तो अब काम करेगा दोस्तों। यहाँ पर ट्रिम का भी ऑप्शन दोस्तों, ट्रिम पे भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो दोस्तों, ये ट्रिम का ऑप्शन ऐसे ही है। यहाँ पर एफएक्स का ऑप्शन दोस्तों, ये जैसे कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये जैसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पर एफएक्स का ये बटन दबा दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, ये इस प्रकार से एनिमेशन आ जाएंगे इसमें, जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद ये राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों, हम अपनी सभी वीडियो में ये सभी एक एक करके यूज कर लेते हैं दोस्तों। ये आप अपने फ़ोटो में यूज़ कर सकते हो, वीडियो में दोस्तों एक ही यूज़ कर सकते हो दोस्तों, इसमें बहुत सारी यूज़ नहीं होगी दोस्तों। ये इसकी बेकार बात लगी दोस्तों मैंने, आप ऐसे कर लेना दोस्तों, मैंने ऐसे कर लिया दोस्तों। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और पास वाले नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे दोस्तों। ये जैसे ही दोस्तों हमने ये सभी प्रकार के एनिमेशन इसके अंदर एडिट कर लिया दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पर प्ले करके दिखा देता हूँ दोस्तों। ये कुछ इस प्रकार से प्ले है दोस्तों, ये बताओ दोस्तों आप ये वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन डिल्ट का, इससे आप अपनी फ़ोटो या वीडियो को डिलीट कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडियो, आप एक्सटर्नल ऑडियो भी यहाँ से यूज कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर क्लिक किया दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपने कोई रिकॉर्ड करके रखा है तो उसको यूज कर सकते हो दोस्तों, या फिर म्यूजिक पे क्लिक करके अपनी कोई भी जो म्यूजिक है फाइल के अंदर उसको यूज कर सकते हो दोस्तों। मैं अपना म्यूजिक नहीं यूज कर रहा दोस्तों। इसके बाद बॉर्डर का ऑप्शन है दोस्तों, इससे आप बॉर्डर भी कर सकते हो दोस्तों, जैसे दिखा देता हूँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा इनका बॉर्डर दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर क्रॉपिंग का, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो फोटो। उसके बाद रोटेट का ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों मिनर का, इसे आप अपनी साइड बदल सकते हो दोस्तों। यहाँ पर देखो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हो रही है दोस्तों, इस प्रकार से साइड बदली जाती है दोस्तों उसका, इसके अंदर ये सब कुछ ऑप्शन दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, आपकी वीडियो जब तैयार हो जाए तो आप अपने, या तो इस ऐप के अंदर इसको इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस ऐप के अंदर आपकी ये वीडियो सेव होगी दोस्तों। आप एक्सपोर्ट करते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से एक्सपोर्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर,
ये राइट का ऑप्शन पर दबा देना दोस्तों। उसके बाद ये वीडियो सेव होने स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, बहुत फास्ट ही सेव होती है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, इस प्रकार से वीडियो सेव हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप अपने यूज कर सकते हो दोस्तों तो कहीं पर। जैसे ही दोस्तों ये वीडियो सेव हो चुकी है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मांगा टाइटल। अगर आपको टाइटल देना तो जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर टाइटल में मेरा नाम लिख देता हूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन लिखने की दोस्तों कोई जरूरत नहीं दोस्तों इसके अंदर। इसके बाद सेव एज पब्लिक, इस पर क्लिक कर दें दोस्तों। आप पब्लिक में भी सेव कर सकते हैं दोस्तों, सेव टू एल्बम में क्लिक कर दें दोस्तों, आपकी एल्बम के अंदर ये वीडियो सेव हो जाएगी दोस्तों। ये कुछ इसी प्रकार की एप्लीकेशन थी दोस्तों, तो वीडियो कैसे लगे जरूर बताना दोस्तों। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत दोस्तों। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पर।